या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। कुछ दिनों पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए कुछ कुछ जगहों पर चेंजेस किए गए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किन किन जगहों पर चेंजेस किए गए हैं और हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना होगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले। गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो गाइस, हमें पीसीसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें pcc.wb.gov.in के वेबसाइट पर आ जाना होगा, जहां पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको दो जगहों पर अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक जगह पर अप्लाई फॉर पीसीसी चेक एप्लीकेशन स्टेटस का आपको ऑप्शन दिखेगा और यहां पर आपको अप्लाई फॉर पीसीसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई फॉर पीसीसी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहां पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिखेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उसे टिक कर देना होगा। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है हमें उसे टिक कर देना है। उसके बाद हमारा फोन नंबर एंटर करने का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, जहां पर हमें फोन नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद हमें सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना होगा। सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हो ओटीपी डिलीवर्ड सक्सेसफुली इन योर मोबाइल नंबर, यहां पर आपका फोन नंबर जो है वो शो करेगा। तो हमें यहां ओके के बटन पर क्लिक कर देना होगा और हमारे नंबर पर जो ओटीपी आएगा आपको यहां पर ओटीपी एंटर कर देना है। उसके बाद हमें वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो हमें ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको न्यू एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन, अप्रूवल पेंडिंग और यहां पर पेमेंट पेंडिंग, सर्टिफिकेट इश्यूड, मतलब सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है कि नहीं, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और यहां पर एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो यहां पर हमने कोई भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं किया है, इसी वजह से हमारे यहां पर। तो गाइस, हमें यहां पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिखेगा, तो पहले हमें कंसेंट पर टिक कर लेना होगा। उसके बाद यहां पर हमें आधार नंबर जो है उसे एंटर कर देना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर आपके पास होना जरूरी है। आपके आधार में जो नंबर लिंक है उसी नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा। तो यहां पर सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे यहां पर आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद लिखा है आपको चेक योर मोबाइल, तो यहां पर ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर कर देना होगा। हमें यहां वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो आधार का जो सारा डिटेल्स है वो फेच होकर आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप आधार में जो फोटो है वो फोटो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर एप्लीकेंट का नाम जो है वो यहां पर एंटर्ड आपको मिलेगा और यहां पर जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी फिल नहीं करना होगा, आपको सिर्फ फिल करना है फादर नेम और यहाँ पर स्पाउस नेम, हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम जो है यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर है तब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी जो है उसे एंटर कर देना होगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर अगर एंटर करना है तो आप कर सकते हैं, और पासपोर्ट नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसे छोड़ देना होगा। उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार एड्रेस जो है, आपके आधार से एड्रेस यहाँ पर आपको फेच कर लिया गया है। उसके बाद आपका पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह आपको यहाँ फील मिलेगा, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पीरियड ऑफ स्टेइंग इन दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स का जो है उसे सिलेक्शन कर लेना होगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपको कोई भी मंथ सिलेक्ट कर लेना होगा। मंथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट ईयर पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें सिर्फ 4 साल का जो ऑप्शन है 5 ईयर्स का वो यहाँ पर शो कर रहा है, उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर टू डेट जुलाई 2024 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 2019 से आप यहाँ पर 2024 तक रह रहे हैं। तो गाइस, हम यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस में। यहाँ पर अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है उसे सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हमारा थाना जो है वो
किस डिस्ट्रिक्ट थाने के अंदर में आता है वो यहाँ पर हमें चूज कर लेना होगा। जैसे कि हमारा जो थाना है वो बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर आता है, तो हम यहाँ पर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा प्रेजेंट एड्रेस जो है वो ऑलरेडी फिल होकर आएगा, बस हमें क्या करना है यहाँ पर नियरेस्ट लैंडमार्क जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद हमारा जो पिन कोड है वो भी एंटर्ड मिलेगा, आपको यहाँ पर सिटी जो है वो भी एंटर्ड देखने को मिलेगा। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो हमें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको लिस्ट में तो 5 डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे, तो आधार, वोटर, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल और रेंट एग्रीमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसे सिलेक्ट कर लेना होगा। जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ से अपलोड कर देना होगा। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेंट शुड रिसाइड इन प्रेजेंट एड्रेस फॉर अ मिनिमम 6 मंथ, मतलब कम से कम 6 महीनों से इस एड्रेस पर रहना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट द पर्पस फॉर पीसीसी, जहाँ पर आपको पीसीसी का जो पर्पस है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर वीजा, इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन, डेंटल और अदर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हमारे ये में एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पीसीसी किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज सिलेक्ट रिपोर्ट वेरिफिकेशन फॉर पीसीसी, यहाँ पर अगर आप नाम पर कोई क्राइम रिपोर्ट है तो आपको इसे टिक कर देना है वरना इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नीचे जहाँ पर आपको प्लीज सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर पीसीसी, यहाँ पर आपके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर, तो हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक ही लिस्ट नाम आ रहा है जो कि लेटर ऑफ एजेंसी। अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब के लिए आपने पीसीसी अप्लाई किया है तो यहाँ पर लेटर ऑफ एजेंसी जो है, जो एजेंसी ने आपको लेटर भेजा है वो लेटर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। तो आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ ही होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे उसके बाद हम नीचे आते हैं जहाँ पर हमें रेफरेंसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ रेफरेंस नेम और उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस फोन नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर रेफरेंस का फुल एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस रेफरेंस 2 में आपको यहाँ करना है। तो यहाँ पर रेफरेंसेस में आप अपने आस पड़ोस के कोई भी 2 लोगों का नाम दे सकते हैं जो कि आपको पहचानते हो। तो रेफरेंस फिल करने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको पीसीसी सक्सेसफुली सेव्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर पे नाउ के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो का डिटेल्स है वो आ चुका है। यहाँ पर हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का 300 रुपीज का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पे के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर आपको मेक पेमेंट यूजिंग SBI पेमेंट गेटवे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जिसके बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन जो है वो आ चुका है, जहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आपको यहाँ इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT और SBI ब्रांच पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर UPI से पेमेंट करेंगे जो कि सबसे इजी मेथड है। UPI पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आ चुके हैं, यहाँ पर इंटर UPI ID और यहाँ पर UPI QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इंटर UPI ID पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ID एंटर करके वैलिडेट UPI ID पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पे नाउ के बटन पर क्लिक करके अपने जो ऐप का UPI एंटर किया है उस ऐप से आपको पेमेंट करना होगा। हमें QR से पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर UPI QR के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पे नाउ के बटन पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे सामने एक QR कोड जनरेट होकर सामने आ जाएगा। तो हमें ये QR कोड स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं योर पेमेंट इज सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न टू वेबसाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर आप PCC का वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ पर आपको एक बार और पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद डायरेक्टली हम डैशबोर्ड पर चले आएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल